गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रोलर दारा। सो भाई आज लास्ट दिन है, और लास्ट दिन पता है व्लॉग भी मैंने बहुत लेट स्टार्ट करा। लेट स्टार्ट क्यों करा? क्योंकि सबसे मुश्किल काम करने में लगे हम सुबह से, पैकिंग। जब घर से निकलते हैं ना तो पैकिंग होती बहुत बढ़िया, और जब यहाँ से वापस निकलते हैं ना, कहीं भी किसी भी लोकेशन से वापस निकलते हैं ना, सबसे बुरा काम होता है पैकिंग करना। जान निकल जाती है, जितना सामान आया उतना ही सामान वापस जा रहा है, लेकिन बैग ऐसा लगता है कितना छोटा पड़ रहा है। तो सुबह से कई पिछले कई घंटों में इन चीज़ों में घुसे हुए हैं, और ब्रेकफास्ट के लिए ऑलरेडी लेट है। अब जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, अब क्योंकि ब्रेकफास्ट के यहाँ पर चेकआउट है, चेकआउट करके हम निकल जाएंगे, और पूरा दिन आज है शॉपिंग। वो बताओ, मैं निकल के रुको, ब्रेकफास्ट करने चलते हैं पहले। चल चल, कुछ है अच्छा? क्या कह रहे, पोहा? मुझे लग रहा है पोहा में भी कुछ मिला है। नहीं नहीं, पोहा में क्या है, ये अच्छा लग रहा है देखने में। आज इस तरह भला देखने में अच्छा लग रहा है। और क्या क्या है इंडियन में, क्या क्या है? क्योंकि ट्यूसडे भी है ना आज, तो वो है और छोले हैं, उधर से ट्राई करते हैं। ये सभी पोहा है क्या? ये जैन वाला कुछ होगा जी, वो तीन जगह पोहा दिख रहा है। फूड जो है ना, अगर आज हमारे पास ट्यूसडे है तो हम कुछ खा नहीं सकते, तो ऐसा ना हेल्दी फूड मेरा फ्रूट्स लगे, छोले लगे, पोहा है। थोड़ा सा मैं जान के लिए चीज़ें मीठी होती हैं, पर इसलिए लेता हूँ कि फुल एनर्जी इनसे बनी रहती है। तो ये सारी कैलकुलेशन भी टूर में करना है, कुछ का टूर का पार्ट हो जाता है। ब्रेकफास्ट के बाद ना फाइनल पैकिंग हो चुकी है बिल्कुल, अब यहाँ से बस चेकआउट करने रह रहा है। बट मैं एक बार पहले नीचे जाकर देख लेता हूँ कि क्या सीन है चेकआउट का, क्योंकि ऐसा भी होता है ना समटाइम कि भीड़ हो रही होगी वहाँ पे, या अभी चेकआउट का टाइम है हमारे पास, तो वेट करने में लाइए। सबसे पहले लाइन में, वहाँ भी लाइन में लगे, क्यों इतनी लाइन में लगेगा, शौक नहीं अपने को। तो यहाँ से निकलते हैं, मैं इतने बाहर का टेम्परेचर भी देख लेता हूँ क्या सीन है, क्योंकि मैं आज हाफ स्लीव्स में हूँ, और फुल स्लीव्स की जरूरत है या जैकेट जरूरत है या नहीं, वो चेक कर लेते हैं पहले ना। कल के दिन ना मैंने जो है फुल स्लीव्स पहना हुआ था, और उसके नीचे इनर भी था, ठंड के चक्कर में सुबह सुबह पहन लिया कि बारिश का मौसम हो रहा है पहन लेता हूँ, बारिश होगी या ठंडा पड़ गया एकदम से दिक्कत हो जाएगी। बट उसके बाद ऐसा कुछ हुआ नहीं, धूप निकल गई और ज़्यादा परेशान हो गया फिर उस धूप के बाद ना, मैं गर्मी लगने लगी। लेकिन अब फुल स्लीव के लिए इनर वार्मर पहनने का वो तो उतरेगा नहीं, तो पूरा दिन थोड़ा ऐसा निकला। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब जब आज जाना ही एयरपोर्ट ही है, शाम को एयरपोर्ट है, तो रहने देता हूँ इनर वार्मर भी और जैकेट भी। भाई लोग हम जा रहे हैं शॉपिंग करने हैं, और शॉपिंग करनी है काफ़ी कुछ। राहुल ने कुछ जैकेट्स वगैरह अपने लिए थे, वो भी एक्सचेंज करने, कुछ साइज वाइज का लेके पंगा है, तो वहीं उसी मॉल में शॉपिंग कर लेंगे। एक दो ऑप्शन है शॉपिंग के अच्छे, और शॉपिंग का ऑप्शन हमारे ज़्यादा इसलिए भी है मॉल के अलावा भी ना, यहाँ से जब हमारी रात की जो फ्लाइट है उसका 3.5 घंटे का हॉल्ट है दुबई में, और दुबई एयरपोर्ट शॉपिंग के लिए भाई मस्त है, मस्त। एक तो ड्यूटी फ्री के रेट और वैरायटी, कौन सा ब्रांड नहीं है वहाँ पे। तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ शॉपिंग कम हो और दुबई एयरपोर्ट पे ज़्यादा हो। 3.5 घंटे का टाइम मिलेगा, बहुत है 3.5 घंटे वहाँ पर। वैसे मैंने प्लान किया यहाँ से ना आईफोन के बारे में देख रहा हूँ एक बार, अभी एप्पल स्टोर पे जाएंगे शॉपिंग करने में। एप्पल स्टोर पे क्या रेट है हमारे मुकाबले, अगर बहुत अच्छी डील होगी तो हो सकता है ले लिया जाए, क्योंकि हमारे वैसे भी शॉर्टेज है और ब्लैक में चल रहा है आजकल। 20,000 रुपये फालतू मांग रहे हैं एप्पल स्टोर वाले, तो 20,000 फालतू तो नहीं, यहाँ क्या पता उल्टे बच जाएँ। मुंबई से आप हैं? मुंबई से। चलो बढ़िया है, आपको ठंडा वंडा लग रहा होगा? ठीक ठाक है यहाँ पे तो, ठीक ठाक है। ठीक ठाक, ठंडा दो दिन पहले लग रही थी पर अभी तो लग रही नहीं, क्योंकि मुंबई और दिल्ली के टेम्परेचर में फर्क है। हम दिल्ली से तो हमें ही लग रहा था सिमिलर है ना, दिल्ली और यहाँ में ज्यादा बड़ा फर्क नहीं होता टेम्परेचर, यहाँ दिल्ली से ज्यादा अभी ठंडा है, लेकिन दिल्ली में ठंड बहुत बढ़ जाती है। मुंबई में गर्मी रहती है तो हमें थोड़ा फील होता है। हाँ है ना, बट अच्छा है यार स्पेन ना, पहले दिन जो थका हुआ निकला था ना उसके बाद वाला वसूल गए सारे हम। पहले ट्रैवल में बहुत थक गए थे ना, ट्रैवलिंग में थक गए थे, उसके बाद में तो सब क्लियर, उसके बाद तो सब ओके था। वैसे भी सारे एक्सपीरियंस अच्छे थे इस बार, कैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एकदम बढ़िया था। HDFC ने काफी अच्छा था। हां चलो अच्छा है, फिर नेक्स्ट ट्रैवल में मिलेंगे। डेफिनेट श्योर बहुत है यार। भाई चल दिए अपने लोग शॉपिंग यहाँ से पैदल, मतलब वो जो मॉल है ना बहुत पास में ही है, वॉकिंग है तो तुरंत निकलते हैं। धीरेन्द्र और अश्विनी जो लोग गायब है अभी तक फोन नहीं लग रहा ना उठा रहे हैं, तो जैसे ही उठा लेंगे बात हो जाएगी, 1-2 मिनट का रास्ता आ जाएंगे पैदल चल के मॉल में। तो राहुल इतने एक्सचेंज कर रहा है, जो भी उसे लेना उसके अलावा ले, तो मैं इतने का पूरे मॉल के एक बार चक्कर मार लेता हूँ, क्या क्या ब्रांड और क्या क्या हम यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं।
आईफोन वॉच हो या आईफोन 14 प्रो, जो कि 14 प्रो हमारे तो ब्लैक में मिल रहा है ना, जो तो यहाँ पे तो सस्ता है ही ऑब्वियसली। पहले आपको वॉच दिखा रहा हूँ ना, इनके स्क्रीन शॉट भी ना मैं डाल दूँगा इनके प्राइस के एक बार ना, फॉरन में फर्क दिखा रहा हूँ। हमारी इंडियन मार्केट के मुकाबले कुछ भी नहीं, तो हर चीज़ यहाँ 12-15,000 रुपये सस्ती है। मैंने स्टार्टिंग से ट्राई करा ना, जो कंपैरिजन है आपको जो प्राइस दिखा रहा हूँ ना, इसको मतलब इनटू 82 आप करोगे तो समझ में आ जाएगा प्राइस क्या है। तो एसरीज और बैंड और सब चीज़ अच्छी है, सही प्राइस में मिल रहा है। अब देख लेता हूँ क्या ले सकता हूँ इसमें से। मोबाइल तो ले नहीं रहा क्योंकि 10-12 हज़ार रुपये सस्ता ज़रूर है, बट अभी अभी कैमरे में इन्वेस्ट कर रहा है यार, तो अभी आईफोन तो नहीं चाहिए मुझे। जब पता है यहाँ क्या सीन है, जैसे अभी मैं बाहर घूम रहा मॉल में, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं किसी को, बट अगर मैं किसी स्टोर में जाके वीडियो बना रहा हूँ ना, तो वहाँ का गार्ड आके ऑब्जेक्शन है कि वीडियो इज़ नॉट अलाउड इनसाइड। तो वीडियो अंदर बनाना अलाउ नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा आपके अंदर ना वीडियो बना ही नहीं पा रहा, क्योंकि ना बहुत बड़े स्टोर में घुसा था मैं, मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक्स का ब्रांड था, आईफोन के प्राइस के, मैंने फिर भी बना लिया जो दिखा भी दिया आपको मैंने। अपने लिए शॉपिंग करना बहुत आसान होता है, ढूंढ लो मिल जाएगा, ट्राई मार लो। अब ऐसे कन्फ्यूज रहते हो कि क्या लूँ क्या ना लूँ, अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, पसंद आएगा नहीं आएगा, बड़ा टफ है। और बच्चों के लिए ना और ज़्यादा टफ है भाई साहब ना, खैर पता नहीं मेरे लिए तो है, अब ये पता नहीं आपके बच्चों के लिए भी टफ है, मेरे बच्चों के लिए टफ है। एक तो गूगल की दुकान है ना, पहले गूगल में बैठे रहते हैं, ये नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, हर चीज़ में नखरे भाई साहब, परेशान हो गया। थोड़ा बहुत लिया तो है, कुछ मिला भी है, अभी भी देखता हूँ। खैर मेरे पास एक ज़्यादा टेंशन वाली बात पता क्यों नहीं है, क्योंकि दुबई एयरपोर्ट पर भी 3-3.5 घंटे मुझे मिलेंगे, तो वहाँ पर मैं काफ़ी देर तक शॉपिंग कर सकता हूँ भाई। दो बार तो मुझे किसी स्टोर में रोका गया कि यहाँ पे रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं है, मैं क्या चलो मुझे लग रहा था ऐसे कि यहाँ रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं होगी अंदर, तो बाहर तो है ही। अभी क्या हुआ, मुझे मॉल में बाहर स्टोर से बाहर रिकॉर्डिंग करते हुए रोक दिया कि नहीं यहाँ पे किसी भी तरह का वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउ ही नहीं है। तो हो सकता है, चलो हमारे यहाँ तो भैया किसी भी मॉल में जाओ तो लोग इंस्टाग्राम और रील और वीडियोज और फोटोशूट और सब कुछ होता है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पे साफ मना कर दिया। और जगह जगह सिक्योरिटी गार्ड थे, ऐसा नहीं है कि एक जगह जगह एक आध जगह आ गया रोक दिया। चलो बट होगी शॉपिंग, राहुल बाहर वेट कर रहा है मेरा, जहाँ से एंटर करते हैं वो रहा। चलो पहुँचते हैं। पुराने घर को अपना छोड़ कर निकलते हम, 5 दिन बहुत मज़े काटे, 5 दिन या 5वां दिन अभी भी चल रहा है, 4 दिन इस वाले घर में हमने, ये जो घर है ना अपना स्पेन वाले घर में हमने 5 दिन पूरे मज़े काट कर निकल रहे हैं। बैग रख दिए हमने कार बसेस में, अभी बसेस हमें सीधे मिलेंगी एयरपोर्ट, तो अभी हम इनसे कोऑर्डिनेट कर लेंगे एयरपोर्ट जाने से पहले ये हमें कहाँ मिलने वाले हैं। थोड़ा सा पैदल वॉक करते करते ना एक बढ़िया जगह आ गए, ये कुछ कबाब वबाब की शॉप है, बट कबाब आज हमारे किसी काम के नहीं, क्योंकि आज है ट्यूसडे, ट्यूसडे हम जो है कबाब या नॉनवेज कुछ नहीं खाते, क्योंकि हम ट्रू नॉर्थ इंडियन है जो ये सब चीज़ बहुत मानता है, मैं तो एटलीस्ट बहुत चल रहा हूँ। बट हाँ आज की डेट में अगर हम इंडिया से बाहर हैं तो ऐसे में कोल्ड ड्रिंक पीना नॉर्मल है, कोल्ड ड्रिंक तो चलती है ना मतलब बाहर, कोल्ड ड्रिंक के अलावा तो कोल्ड ड्रिंक पीएंगे। अगले हम 2 घंटे कम से कम यहीं बैठने वाले हैं, ठीक है, पूरी थकान नहीं मिटेगी। एयरपोर्ट जाने से पहले 4-5 कोल्ड ड्रिंक कैन लेते हैं, पीते रहेंगे बैठ के, कोल्ड ड्रिंक पीते रहेंगे। तो फाइनली बड़ी जद्दोजहद के बाद ना हमें वेज मील मिल गया है ना, अब यहाँ पे लिखा भी है कुछ 100% सब, अपने लिखा नहीं उन्होंने स्पेनिश में है, बट फिर भी हमने पूछ ही लेता उसे 100% वेज वाला, लॉन्ग वेज ही करके कुछ है इनका, तो बिकॉज ऑफ ट्यूसडे ठीक है ऐसे ही ढूंढना पड़ेगा एयरपोर्ट पे भी। यहाँ भी यही हो गया, हमारे 2 मील हो गए हमारे विद कोल्ड ड्रिंक। तो अभी हम यहाँ पे लंच कर चुके हैं, मस्त वाला हो गया, मस्त बहुत बढ़िया, एक नंबर बर्गर बहुत अच्छा। मैं कह रहा हूँ कि हमारे इंडिया वाले बर्गर किंग से भी अच्छा बर्गर था, हमारे इंडिया में जितने भी बर्गर किंग उससे भी अच्छा बर्गर था भाई, एक नंबर मज़ा आ गया। तो अभी हम वहाँ चल रहे हैं क्या सबके साथ मिक्स हो जाएं, तो यहाँ से हमारी आधे घंटे की अभी वॉक नहीं करेंगे, टैक्सी टैक्सी टैक्सी
यहाँ से टैक्सी करेंगे और जहाँ बाकी से भाई लोग हमारे धीरेंद्र और अश्विनी भाई हमारे वहाँ चल रहे हैं और सबके साथ अभी इन्वॉल्व हो जाते हैं क्योंकि हमने एक जगह बैठने का चेयर मारने का प्रोग्राम जो था हमने पूरा कर दिया। अभी बाकी जितने भी लोग हैं जो शॉपिंग कर रहे हैं बस से गए हुए ना, हम उनकी लोकेशन पे जा रहे हैं और हार्डली 15-20 मिनट का यहाँ से रास्ता है। वो पहुँचते देखते हैं उनके बाद का कैसे ना आगे का कि शॉपिंग वॉपिंग का हमने मॉल देख लिए, हम पता समझ में आ जाता है जिस मॉल में हम गए ना उसके बाद उस बाकी सारे मॉल की कंडीशन क्या होगी समझ में आ जाता है। 19-20-21 इतने ही तो होंगे और क्या फ़र्क पड़ रहा है। अरे हम करेंगे ना दुबई एयरपोर्ट से, यहाँ थोड़ी ना लोकल सामान खरीदेंगे, हमारा भी अपना एक स्टेटस है, स्टैंडर्ड है। अभी जितना भी अपना हमारा ग्रुप था ना, जितने भी भाई लोगों ने थे, वो रसोई घर करके इंडियन रेस्टोरेंट है, यहाँ पे सबने रुक के लंच वंच कर लिया, हो गया सब कहाँ से तो टाइम पे ही हम तो टाइम पे ही वो। अब यहाँ से कहाँ जाएंगे? मॉल। अब मॉल गए नहीं थे अभी तक सब, सही है फिर तो हम यार कुछ और भी कराए और मॉल भी चल लेंगे। अब ये हमारे भाई हैं, ये समझ लो कि जितना भी हमारा इंटरनेशनल ट्रैवल होता है ना यार भाई, जो भी अच्छा और बुरा, अच्छा तो अच्छा हमेशा अच्छा होता, बुरा तो कुछ नहीं होता। अब मैं कह रहा हूँ कि सब्जी में नमक कम है तो इनकी क्या गलती है। अच्छा हम उनमें से है भी नहीं, हम इतने डेवलप हो गए कि हमें ना नमक आटे चीनी का हमें इनसे फ़र्क नहीं पड़ता, इतने डेवलप है हमें पता है जो मिल रहा है हम उससे खा के मस्त रहेंगे। तो थैंक यू भाई राघव भाई, बहुत बहुत धन्यवाद राघव भाई, बहुत मज़ा कराते हैं। और इस बार राकेश भाई से हमें बहुत मज़ा आया, राकेश भाई से मैं इसी ट्रिप पर पहली बार मिला और बहुत मज़े थैंक यू थैंक यू। बहुत अच्छा अरेंज था आपका, बहुत सब कुछ ना ऐसे डीजल, पहले भी डील अच्छी नहीं है हमारी सबकी, हम साथ में रहते हैं हमेशा। भाई साहब कांड हो गया, पांचवे दिन जाके कांड हो गया। हम पहले दिन से ही ना यूरोप के बारे में जानते हैं, यहाँ पे छीना झपटी बैग गायब होना इज़ वेरी नॉर्मल, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा है कुछ ना, मैं बताना नहीं क्या चाहूँगा कि तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही छीना झपटी और ये सब कुछ बहुत ज़्यादा चलता है। और यही हुआ, एक फैमिली का पूरा बैग लेके गायब हो गया, वो लंच करने बैठे थे और जिसमें कि पासपोर्ट भी थे। भाई यार बहुत सुन के मुझे दुख हो रहा है, 4-5 दिन से हम साथ में घूम रहे हैं, आज वो परेशानी में आ गया। अब क्या होगा, पुलिस कंप्लेंट कर दी है, वो पुलिस कंप्लेंट के लेके एम्बेसी पहुंचेंगे, एम्बेसी वाले खुद अरेंज करेंगे, उन्हें एयरपोर्ट पहुँचाएंगे, वहाँ से फ्लाइट में बिठाएंगे। अब वो आज ही हो जाएगा, मे बी आज ही हो जाए, मे बी कल हो, मे बी परसों, अब पता नहीं कब होगा यार, बट ज़बरदस्ती के बैठे बैठाए परेशानी आ गई। और 5 दिन से हमें पता है कि ये साला यहाँ पे बहुत ज़्यादा चल रहा है, छीना झपटी चोरी होना ये सब होना, अब बट होगा किसी साथ, अपने भाई बंधु के साथ ही होगा यार। मुझे दिमाग की बैंड बज गई, पहले दिन से यूँ बैग वैग लेके हम भी पकड़ के चल रहे हैं, कैमरा लेके मोबाइल लेके, पता लगा एंड ऑफ द डे अपने ही नुकसान पहुँचा दें। अब बचाओ यार, उन्होंने कोशिश तो उन्होंने भी बहुत की होगी, लेकिन अब एक ही जगह सारे भाई बंधु बैठे, उन्होंने रख दिया साइड में बैग और उन्होंने CCTV रिकॉर्डिंग निकलवाई, एक लेडी लेके निकल गई उनका बैग, होगी यहीं की लोकल लेडी, ग्रीन होगी ना वहाँ पर। अब क्या बोले यहाँ, अब यहाँ की स्टोरी पूरे यूरोप की पता है क्या है कि इन्होंने जब इंटरनेशनल बॉर्डर खोले थे ना, तो इनके पास कुछ बोलना नहीं चाहिए बट ऐसा कुछ क्राउड आ गया है, वो यहाँ पे यही कर रहा है, चोरी चकारी छीना झपटी हो गया कांड ना, बट पता है यार वो फैमिली परेशान रहेगी। हाँ एक दिन तो बैठे बैठाए हम तो पाँचवा दिन है आज और मस्त अपने बैग और सब चीज संभाल के ऐसे दुकान हम तो डोल रहे हैं, कोई छीन के ले जाए 2-4 दिन रुक जाएंगे छीन लो हवा में लटका रहे हैं, कादर खान की तरह हवा में घुमा रहे हैं, कोई लेके जा रहा कोई हमारा कोई लेके नहीं जाएगा, तुझे पता है इन्हें रखना पड़ेगा उल्टा और खर्चा पड़ेगा, बट वो फैमिली पर फैमिली के साथ नहीं होना चाहिए ऐसे, देखे फैमिली का नहीं होना चाहिए ना। सभी के साथ एक ही बात हो रही है कि मतलब वो बैग गया, उन्होंने CCTV रिकॉर्डिंग भी निकाल के चेक करी ना वहाँ पे जो लेके गए थे, लेकिन अब CCTV से क्या होगा, अब जो लेके तो लेके, अब देखो यार परेशानी तो होगी ना बैठे बैठे उनके लिए, अब जैसे भी वो निकलेंगे वहाँ से परेशानी तो है ही ना। और 4 दिन साथ में रही फैमिली, अच्छे से हमने साथ में मिल के इन्जॉय करा, अब सडनली एकदम से बताओ यार क्या करें, फंस गए वो। और सब जगह की बात करें, अच्छा हैरानी की बात देखो, कुछ लोग ग्रुप में से ही ना इधर उधर चले गए कि हम जाके ढूंढते हैं उन्हें, रिकॉर्डिंग देखे कि हम ढूंढते हैं उन्हें, और वो भी गायब इसलिए हो रहे हैं वो शॉपिंग कर रहे हैं। मतलब यार ये कोई इंसानियत है क्या, इंसानियत मर गई है बिल्कुल ही, कि किसी का इतना बड़ा कांड हो गया और वहाँ से यहाँ से कुछ लोग जा रहे हैं, हम उन्हें ढूंढ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं वो शॉपिंग करने, तो शर्म करो यार, शॉप बोल दो भाई शॉपिंग करने हैं, क्यों इतना ड्रामे करने हैं। अब देखो वो फैमिली जो है ना उसके बाद मालूम पड़ेगा कि अब क्या क्या वहाँ से उनको क्या सपोर्ट मिलता है एम्बेसी से, क्योंकि
क्योंकि एम्बेसी का सपोर्ट ऐसे होना चाहिए तभी उसके बाद वो इजीली चीज़ें प्रोसेस होगी। कम वक्त कुछ लोग मुझे खुश नसीब समझते रहे, उन्हें क्या पता मैं शादीशुदा हूँ। अच्छा फाइनली भी एयरपोर्ट पहुंच गए। बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला एयरपोर्ट है नहीं है, तो बट फिर भी एक ही लाइन है, क्योंकि ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं उसमें ना, तो फटाफट जल्दी से चेक इन करते हैं, बोर्डिंग पास लेते हैं, फिर अंदर घुसते हैं। और यहाँ भी हमें कुछ घंटे ड्यूटी फ्री मिलेंगे, कुछ घंटे में दुबई एयरपोर्ट के मिलेंगे, उन्हें क्या टाइम पास ही करना उसमें, और कुछ होगा तो देखेंगे। हम दोनों का एक बहुत ज़रूरी काम निकल गया, हमने जो सीटें चूज़ करी थी वो हमें मिल गई है। मुझे चाहिए थी विंडो सीट, मुझे विंडो सीट मिल गई, और राहुल को एक्स्ट्रा लेग रूम चाहिए था वो उसे मिल गया। तो एटलीस्ट जो लंबा ट्रैवल है मेरा यहाँ से, हम दोनों का यहाँ से बार्सिलोना से दुबई तक का, वो लंबा ट्रैवल है, वो हमारा अपनी फेवरेट सीट पर हो जाएगा आराम से, क्योंकि उसके बाद वाला ट्रैवल तो 3.5 घंटे का है, ये वाला 6-6.5 घंटे का है। एटलीस्ट विंडो पे क्या कमर वमर लगा के साइड में ना सहारा लगा के मैं लेट जाता हूँ, नींद आने की कोशिश हो सकती है। और अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, सिक्योरिटी और इमिग्रेशन से निकलते हैं, और अभी कैमरा बंद करता हूँ, कहीं ना कहीं जाकर रोक देगा। अंदर शूट करने तो अलाउ था नहीं, कई बार मेरे को रोक दिया था, अंदर वीडियो आप नहीं बना सकते, फ़ोटो खींच सकते हो। तो ऐसे में उन्होंने फ़ायदा उठा लिया, बहुत सारा लिकर या बहुत सारा सामान जो भाई बंधु हमारे मंगाते हैं ना वो हमने ले लिया, कुछ परफ्यूम्स अच्छे मिल गए थे, और मैं सोच रहा हूँ कि यही अच्छे प्राइज़ मिल गए, दुबई में तो और अच्छे होते हैं प्राइज़, हमें उम्मीद है। तो दुबई से पहले यही बहुत अच्छा काम बन गया, और दुबई में जो 3.5 घंटे मिलेंगे वो मज़े भी हो सकते हैं हमारे, जरूरी ना शॉपिंग वॉपिंग, या हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादा ध्यान रहे, आईफोन मिल सकता है वहाँ, मे बी पॉसिबल है, देखते हैं बाकी वही, क्योंकि राहुल आईफोन लेना और मुझे वॉच लेनी है वरुण के लिए, देखते हैं क्या मिलता है। तो फाइनली यहाँ के ड्यूटी फ्री से फ्री हो चुके हैं हम दोनों, आराम से बैठ चुके हैं, बर्गर ही में खा रहे हैं, बर्गर राहुल ने खाना, बर्गर मेरे कोल्ड ड्रिंक पीने का मन है आज से, थोड़ा सा पता नहीं नॉर्मली उल्टा हो गया। देखो नॉर्मली क्या होता है, किसी भी एयरपोर्ट में जाओ ना, वहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल से टेम्परेचर बहुत ठंडा होता है, अब यहाँ बाहर ठंड है लेकिन इन्होंने अंदर गर्म किया हुआ, पसीने लायक गर्म कर दिया, मतलब पता नहीं कि एसी नहीं चला रखा क्या कर रखा है, अभी बड़ी गर्मी लग रही है, तो यार कोल्ड वोल्ड पियेंगे आराम से बैठेंगे, क्योंकि हमारे में फ्लाइट में भी, क्योंकि हमारी फ्लाइट में भी टाइम है, अच्छा खासा टाइम है हमारे पास, 2 घंटे है, 2 घंटे में मतलब मान के चलो 1 घंटा हम और निकाल सकते हैं, 1 घंटा जैसे बचेगा बोर्डिंग गेट जैसे बंद होने वाले से पहले हम टाइम से पहले पहुँच जाएंगे, बहुत टाइम पर एकदम सब कुछ सेट है, और जल्दी से फ्लाइट उड़े, बहुत लंबी फ्लाइट है, 6-6.5 घंटे की फ्लाइट है, और जो भी होगा वो सफ़र होगा, इंग्लिश वाला सफ़र हो जाएगा, लंबी फ्लाइट मेरे लिए इंग्लिश वाला सफ़र होती है, मैं इतना कंफर्टेबल होता नहीं हूँ सीट में बैठ के ना, फिर दुबई एयरपोर्ट पहुँचने के बाद वो टाइम अच्छा होगा, क्योंकि ये दुबई एयरपोर्ट सही में यार शॉपिंग के लिए ना मस्त है, इलेक्ट्रॉनिक्स बड़े बड़े स्टोर हैं, परफ्यूम तो मैंने ले लिया यहाँ से ना, अब नहीं लेना मेरे कुछ भी, लेकिन शॉपिंग के नाम पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं ना, स्पेशली मेरे को मोबाइल वहाँ पर चेक करना है, आई वॉच मैंने वहाँ चेक करनी है, आई वॉच मोबाइल अपने लिए देख रहा हूँ, आई वॉच मैं देख रहा हूँ वरुण के लिए, और सैमसंग वॉच तो खैर ज़्यादा एयरपोर्ट पर बेनिफिट होता नहीं है, तो फिर भी देख लूँ अगर सस्ती भी अपने वहाँ से तो वायु का भी काम बन सकता है। तो अभी मैं दिखाता हूँ हमारे गेट की इन्फॉर्मेशन, इसमें से ढूंढना पड़ेगा भी हमारी कौन सा गेट है और हमें कौन सी फ्लाइट है, वो गेट देख रहे हैं कि चेंजेस में जो होते हैं लास्ट मोमेंट पर, और उसके बाद निकल लेंगे अपने गंतव्य स्थान को फ्लाइट में। अभी डिनर का टाइम होने वाला है, बट मेरे भाई आज बैठो ना यार,
ये मेरे बारिश भाई पारिक भाई हैं, बहुत प्यारे भाई हैं गुज्जू भाई हमारे। और देखो क्या लाए मेरे लिए, ये गुजराती डिश है, क्या कहते हैं इसे, सुखड़ी कहते हैं, सुखड़ी, और ये थेपला। और थेपला गुजराती के लिए प्योर थेपला जो एयरपोर्ट पे खाया जाता है हमेशा, तो आज दारा भाई को हम टेस्ट कराएंगे थेपला। अच्छा सुनो क्या सीन है, हम बहुत ड्राइवर हम साथ करते हैं, इस बार भाई फैमिली के साथ है ना, तो ज़्यादा हम टच में बात नहीं कर पाए क्योंकि थोड़ा सा होटल भी लगता है, दो होटल थे ना, होटल भी लगता है हमारा, तो अदरवाइज पता है क्या होता है, हर ट्रैवल पे भाई ये हमें खाने को बहुत मिलता है थेपला, और ये मैं नाम नहीं बता पाऊँगा, बहुत सारे नाम होते हैं अलग अलग, बड़ा मज़ा आता है भाई, स्पेशली मेरी भाभी को थैंक यू बोल देना थेपला के लिए और इसके लिए। तो दारा भाई खाएंगे, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। साथ में गजब का टेस्ट है, क्या बात, इसके साथ अचार है, यस वाह यार क्या बात है, एक नंबर, घर का बनाया सारा, यस घर का बनाया, भाई मजा आ गया। इसके लिए मैं स्पेशली ना गुजरात आ सकता हूँ, आ जाओ यार, पक्का पंडित वैष्णव, पक्का कभी भी आ सकते हो, देख लो बहुत लंबे बहुत बड़े मस्त व्लॉग बनाने वहाँ पे। तो भाई एक ट्रैवल ऑलरेडी हो रहा है, चिंता गुजरात चलेंगे अपन लोग ये खा के। हेलो, Only you have the 24Z. 24Z for me. So this I don't wait for you. So this one is for you, sir. Yeah. And this one for you. Special to the right, please. Enjoy your flight. जब साथ जब तक हम यहाँ पे ट्रैवल साथ में मस्ती तब तक तो सारे साथ में, तो वापिस आने का टाइम होते तुम गायब दोनों, क्या हुआ, हम तो लॉन्च में थे ना, हम लॉन्च में थे, अच्छा गायब होते थे सुबह सुबह गायब, अच्छा वो सुबह से गायब होने का, अरे वो ड्यूटी फ्री में एंटर होकर घुसते जाएंगे, जैसे जैसे कुछ अगर समझ में आएगा तो देखेंगे, अदरवाइज वॉक करने और घूमने का भी अपना ही मजा है, वर्ल्ड के सबसे अच्छे एयरपोर्टों में से एक है भाई, जितना मर्जी टाइम निकाल सकते हो आप यहाँ पर। अच्छी खासी डील मिल गई, करीबन ना करीबन अपने यहाँ से 9000 रुपये सस्ती मिल गई, तो एक एप्पल वॉच तो हमने फिर से ले लिया, और अभी फिर आगे वॉक कर रहे हैं, अभी देखते हैं क्या मिल सकता कुछ। तो दुबई एयरपोर्ट में आने का ब्रेकफास्ट हमारा हो रहा है चाय और समोसा, चाय समोसा तो अगर कहीं भी मिल जाएगा बट चाय बहुत दिन बाद आएगा हमारे लिए, और का ब्रेकफास्ट गुड मॉर्निंग टाइगर टाइगर पिता भाई। सो यार गाइस लंबे इंतजार के बाद मैं जा रहा हूँ वापस अब यहाँ से इंडिया, और फ्लाइट में बैठ रहे हैं अगले फ्यू सेकंड में, सो आगे वापस फ्लाइट में, अब सीधे यहाँ से दिल्ली आके उतरेंगे, और उसके बाद वही अपनी डेली वाली लाइफ, सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज, वॉक, ऑफिस,
काम, फिर शाम को थोड़ा बहुत इधर उधर घूमना फिरना, वापस घर, बच्चों के मस्ती, सो जाओ, यही एक शेड्यूल फिर दोबारा से लाइफ में आने वाला है। बट एंड ऑफ द डे ट्रैवल बहुत मज़ेदार रहा, बहुत मस्ती करी, बहुत इंजॉय करा, पार्टीज़ भी हुई, घूमना भी हुआ, लोकेशन के भी मज़े लिए, ठंड के भी मज़े लिए, सब कुछ अच्छा था, सही था। बहुत सारी चीज़ें पहले से अच्छी रही। इनफैक्ट हालांकि लास्ट डे आज एक इंसिडेंट बहुत बुरा हो गया फैमिली के साथ, जो उनके पासपोर्ट चोरी हो गए, अभी तक वो नहीं आए हैं, उनको टाइम लगेगा वहाँ से आने में। बट अच्छी बात है कंपनी की तरफ से उन्हें सपोर्ट मिल रहा है, एक बंदा वहाँ पर है जो उनके लिए सब चीज़ें सेटल कर रहा है, पूरी कोशिश करके जल्दी जल्दी में, एक दिन या दो दिन का वैसे प्रोसेस होता है, तो जैसे भी होगा चलो हो जाएगा सब ठीक। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऐसे सपोर्ट देते रहें, आगे बढ़ते हैं आपके साथ, बहुत ट्रैवल करना है अभी तो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, प्लीज शेयर कर दो। और बहुत से लोग वीडियोज़ देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दो। आने वाले टाइम में एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग आ रहा है, ये सीरीज ख़त्म होती है, एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग आ जाएगा, मिलते हैं फिर जल्दी, नई सीरीज, नई मस्ती। वो जहाँ नए ब्लॉग कहाँ गए वो बीच में जल्दी बात करेंगे, ऐसी मुझे बात। चलो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।